नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 25x60 फीट का पश्चिम मुखी घर का नक्शा लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो नक्शा है आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मुझे यूट्यूब पर एक कमेंट्स मिला है और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनके कमेंट्स के आधार पर यह प्लान मैं तैयार किया हूँ। तो चलिए इसका लेआउट आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह पश्चिम मुखी है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में जो है गेट बनाया गया है और यहाँ से एंट्री करेंगे। पार्किंग का एरिया है, पार्किंग का साइज है 11x17 फीट का और इसमें खूबसूरत कार का भी लेआउट किया गया है। यहाँ पे फ्रंट में 5 फीट का जो है जगह छोड़ा गया है जिसमें आप फूल पौधा लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, साउथ वेस्ट में ही सीढ़ी बनाया गया, तो साउथ वेस्ट में सीढ़ी उत्तम माना गया है, तो आप यहाँ पर सीढ़ी बनवा सकते हैं। यहाँ पर दरवाज़ा लगेगा, देखिए यह जो है मॉस्किटो प्रूफ है और यह नॉर्मल डोर है, तो यह लगा देंगे तो जाली वाला, तो मच्छर वगैरह अंदर नहीं आता। यहाँ पर देखिए लिविंग दिया गया है, लिविंग का साइज है 11x14x6 इंच का और इसमें देखिए सोफे का भी लेआउट करके आपको समझाया गया है। यह पोर्शन आपको पूजा के लिए दिया गया है, आप यहाँ पर सेल्फ टाइप का बनवा के पूजा घर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम उत्तम माना जाता है, तो इसीलिए मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाया गया है और मास्टर बेडरूम का साइज़ है 11x9x14 फीट का, तो लगभग 12x12 का मीडियम बेडरूम होता है, तो ये 12x14 का है तो बहुत अच्छा है। और उसमें देखिए खूबसूरत बेड का भी लेआउट किया गया है, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक इसमें ज़रूर करिएगा। इसके साथ अटैच टॉयलेट दिया गया है 8x4 फीट का, बट इसमें लेआउट नहीं किया गया है, आप लोग बाद में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो एक हैंड वॉश बेसिन या वॉशिंग मशीन रखने का जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ कॉमन टॉयलेट दिया गया है जिसका साइज है 8x4x7.5 इंच का। यहाँ पर एक और बेडरूम दिया गया है 11x12 फीट का, आप देख सकते हैं, इसमें भी फर्नीचर का लेआउट करके आपको समझाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डाइनिंग एरिया दिया गया है 11x9x12 फीट का, लगभग 12x12 फीट का डाइनिंग एरिया है। और नॉर्थ और यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट में एकदम वास्तु को ध्यान में रखते हुए किचन बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किचन बनवाएं तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो इसका जो प्लेटफॉर्म होता है ये ऐसा होना चाहिए कि अपना फेस पूरब दिशा में हो जब हम भोजन बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो साइड से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बेडरूम दिया गया है, इसका साइज है 11x12x9 इंच का। तो ये 3 BHK होम प्लान है और इसको यूजर के अनुसार एकदम बनाया गया है और ये जो गांव के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि चारों तरफ से आप इसमें डोर विंडो लगा सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक प्लान आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार इसको देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत